राकेश जी को इस तरह के कार्यक्रम जो रिजल्ट बच्चों के लिए ये चलाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह की बातें मैं बराबर करता भी रहता हूँ। ये जो मॉरल रूप से जो इनकी नैतिकता है उसको मजबूत करने की जरूरत है, और अक्सर मैं इस बात को आपको बताता रहता हूँ। कभी कभी मैं असेंबली में जब खड़ा होता हूँ तो इनको बताता हूँ कि दुनिया में किसी से भी कोई रास्ता मिले या ना मिले, अभी जैसा कि राकेश सर ने बताया आपसे ना, कि पहला सुझाव आपको कौन देता है? माँ बाप। कौन देता है? माँ बाप। और जो आदमी माँ बाप से झूठ बोलना शुरू कर देता है उसे दुनिया में कोई रास्ता नहीं मिलता है। बट एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो एजुकेशन किशोरावस्था का कार्यक्रम है ना, ये इसीलिए रखा गया क्योंकि किशोरावस्था में व्यक्ति थोड़ा उन्माद में होता है, वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता, किसी को मानता नहीं है, लेकिन जब वो फिसल जाता है तो उसके बाद सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम राकेश जी, अब आपने सुना ना, एक इंजीनियर होकर के 14 साल विदेशों में काम किया है इन्होंने, उसके बाद उनको लगा नहीं हमारे यहाँ जो ये गांव के बच्चे हैं इन लोगों के साथ हमें काम करना चाहिए, और इनके अंदर एनर्जी बहुत है, एनर्जी बहुत है, और हम एजुकेटेड हो गए और नौकरी नहीं मिले तो हताश हो जाए। अभी एक चैप्टर है ना इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल है, शिक्षा का उद्देश्य, उसमें कहीं दिखाया गया कि पैसा कमाना ही है शिक्षा का उद्देश्य, ऐसा कहीं है उसमें? एक अच्छा इंसान बनना, शिक्षित होकर के समाज को शिक्षित करेंगे, परिवार को शिक्षित करेंगे, गांव हमारा शिक्षित होगा, सारे लोगों को एक अच्छे इंसान बनने की जरूरत सबसे पहली जरूरत है। इस तरह का कार्यक्रम राकेश जी चला रहे हैं और बड़ी मेहनत से चला रहे हैं। मैं राकेश जी को अपने विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत और मैं खुद इस बात को मानता हूँ, यदि आपने बताया 6 से 8 घंटा सोना है, मैं बराबर आपसे कहता हूँ जरा सुबह जग जाओ, होता है ना? क्योंकि जब हम सुबह जगते हैं ना, जैसे सुख और दुख दोनों मन के विकार हैं, ये भारतीय हरिचंद ने लिखा है, किसी चैप्टर में होगा, इंटर वाले पढ़े होंगे, नव भारत और उन्नति कैसे हो सकती है ना, उसकी एक सुक्ति है, सुख और दुख मन के विकार है। हम सुबह सुबह जब उठते हैं और बाहर निकलते हो, लगता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो बड़े खुशहाल हो जाते हैं, और जो ही हमारे मन में आता है वो आज तो मौसम बड़ा गड़बड़ है, हम वहीं से लेजी हो जाते हैं। ये दोनों हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है, अच्छाई और बुराई। लेकिन अभी एक बात आपने बताया कि बुराई की तरफ हमारा खिंचाव ज़्यादा होता है ना, और जो ब्रेन में हम डालते हैं वो बार बार रिविजन आता है। तो अच्छी बातों को सोचना, अच्छी बातों को कहना, अच्छी आदत बनाना, अच्छे लोगों से बात करना, अच्छे टॉपिक पर चर्चा करना, अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छा रिसर्च करना, ये सब जब हम प्रयास करेंगे तो हम एक अच्छा इंसान बनेंगे। और इस तरह का प्रयास लेकर के विद्यालय में आपने मुझसे बात तो बहुत ठंड की मुझसे हुई थी, पर मैं रीडी आपको था कि मेरे दिमाग से मिस कर गया था कि मैं 17 तारीख को इस प्रोग्राम को अडाप्ट कर लिया हूँ, लेकिन जब आपका फोन 9 बजे आया मुझे तो मुझे कहीं और जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि ये कार्यक्रम तो मैंने पहले लिया, और राकेश जी कितने पंक्चुअल, आपने मेल भी मुझको भेजा है मेरी मोबाइल पे, लेकिन मेरी व्यस्तता कह दी जाए, मैं इस कार्यक्रम को चाहता भी था कि ये कार्यक्रम बच्चों के बीच में आए, लेकिन मैं व्यस्तता के नाते देख नहीं सका। लेकिन राकेश जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे 9 बजे इस बात को याद दिलाया और मेरे बच्चे तुरंत उसके लिए एग्री हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत विद्यालय। और पहले की और आपने बताया, आपने मुझे बताया कि विद्या, और आज मैं पहली बार जाना, आपको भी मैं बताता हूँ टेक्नोलॉजी यूज में करता हूँ, पर मैं पहली बार जाना कि मेरा भी विद्यालय जी आर एफ से चल रहा है। आपने जब बोला कि मैं उसे सर्च कर दिया है, मैंने सोचा राकेश जी ने सर्च कर दिया, मैं भी सर्च करूँ क्या मेरा विद्यालय भी नेट पर शो कर रहा है। तो जब मैंने देखा तो मैंने अपने भैया से पूछा के नाते कि किसी से कहूँगा तो लोग कहेंगे कि इतने पढ़े लिखे होकर के टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाए, तो मैंने भैया से पूछा कि ऐसे कैसे, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे डालो देखो आ जाएगा। तब मैंने डाला और डाल करके जब मैंने सर्च किया तो वो सीधे ले आ रहे हैं आजमगढ़ से चलना शुरू किया एरो, और जीएनपुर आया, जीएनपुर कहा और स्टेट बैंक से सीधे मोड़ दिया और रेड कलर में लिख दिया विवेकानंद पब्लिक स्कूल। तो मुझे और खुशी हुई, चलो मेरा विद्यालय भी तो नेट पे। इसलिए राकेश जी आपको पूरा धन्यवाद देता हूँ कि मैं जानकारी अच्छी लगे।
और आपने जितना कहा ये सच है कि अगर ये बच्चे अपने मन में उसको भागव करें तो एक अच्छा इंसान बनने में वो कोई रोक नहीं सकता है। और अभी दुर्गेश जी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, उनके बारे में क्या बताऊं, उन्होंने बहुत प्रयास किया पर नसीब में साथ नहीं दी, पर आप सगड़ी तहसील में लेखपाल पद पर नियुक्त हुए हैं, पर फिर भी आप आईएएस की तैयारी में कई बार चूक गए, पिछली बार रिजल्ट आया तो बड़ा मायूस होकर आए मुझसे, तो मैंने उनसे बोला कि कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है, जो मिला है काम कर दो और उसी में आगे सकते हैं। तो दुर्गेश जी भी हमारे बीच में आए हैं तो बड़ा अच्छा होगा कि इस तरह का अवसर बहुत कम मिलता है, और मेरा संयोग से ऐसा है कि मेरा सरोकार सामाजिक कार्यों से इतना रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम जब आते हैं तो लोग मुझे जरूर बताते हैं, और मैं चाहता हूँ वो बच्चों के बीच में शेयर किया जाए। बच्चों ने भी बड़ी तन्मयता के साथ, मैं देख रहा था कि आज तो पहली बार किसी कार्यक्रम में इतना शांत बैठे थे, मुझे भी बड़ी हैरत हो रही थी, मैं जी सब कहाँ शांत रहने वाले, पर अरे बाना की समाना सब चिल्लाते रहते, लेकिन इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद है कि बड़े शांति से इस बात को सुना, और एक आग्रह बस इतना है कि जितना शांति से सुना उतने ही शांति से अगर अपने जीवन में अमल कर लेंगे तो दुनिया में अच्छा इंसान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। जय हिंद जय भारत। अब आप देखिए इस तरह का कार्यक्रम राकेश जी कर रहे हैं, 2 महीने में काम किए हैं, 2 महीने में, और आज ये कार्यक्रम किया है, एक जोड़ा ताली बजाइए। और ये सारी चीज राकेश जी डेली जाते होंगे और आप जैसे लोगों से मिलते होंगे, उन लोगों को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 50वां कार्यक्रम 60 दिन के अंदर जरा सोच, उसमें हॉलीडे भी तमाम रहा होगा, तमाम कभी जाने के बाद उसका अरेंजमेंट न मिल पाया रहा होगा, लेकिन सारी चीज़ों के बाद राकेश जी इतनी मेहनत करते हैं, खुद ऐसा भी नहीं कि कोई शुल्क लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। अब सोचो ये केवल अच्छे इंसान बनाने के लिए 14 साल फॉरेन में रहे, इंजीनियरिंग की डिग्री लिए, कैसे कैसे चले, और फिर इस तरह इन्होंने अपने आप को मोटिवेट करके इधर मोड़ा कि हम नगर में गाँव में ग्रामीण अंचल में जो छिपी प्रतिभा है उनको आगे निकालेंगे। राकेश जी को मैं बहुत बहुत विद्यालय परिवार के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।